गार्डन हाउसिंग सोसाइटी प्रजा आशीर्वाद सभलो पाल्गोन्न बीआरएस एमएलए अभ्यर्थि केपी विवेकानंद गौड अनंतरं वारु प्रचारं चेपडुतू ई नेल 30व तेदीन जरिगे एन्निकल्लो कारु गुर्तुपै ओटेसि तननु गेलिपिंचालनि ओटर्लनु कोरारु। तानु गेलिस्ते कोंपल्लि मुनिसिपालिटीनि नेलकोन्नटुवंटि रोड्लु డ్రైనేజీలు వంటి అనేక సమస్యలన్నిటిని కూడా గెలిచిన 30 రోజుల్లోనే పరిష్కరిస్తానని బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కేపీ వివేకానంద్ గౌడ్ అన్నారు। ఈ కార్యక్రమంలో కొంపల్లి చైర్మన్ సన్న మరియు అలాగే గార్డెన్ హౌసింగ్ అలాగే గార్డెన్ హౌసింగ్ సొసైటీ ముఖ్య కార్యవర్గంతో పాటుగా హౌసింగ్ సొసైటీ రెసిడెంట్స్ పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు। ऑलवेज सर फिर बंद हो गई ताली, क्यों ऐसा हो रहा है जब तक। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरे को तो ये इलेक्शन कैंपेनिंग के मीटिंग नहीं लग रहा है। मेरे को होम पीछे और ऐसे लग रहा है कि मैं इलेक्शन में जीत के आने के बाद जो सम्मान होता है वो खूब दिखे आपके पास। और हमारे बच्चे भी बहुत पीछे, तो हम कुछ काम करो सो अलग बात है, लेकिन हम गार्डन सोसाइटी से बहुत कुछ सीखे, हम बहुत कुछ ये कमिटी से रहें दो सोसाइटी में जो डिसिप्लिन है, जो जो भी काम करते हैं जो सिस्टमेटिकली और जो भी काम करते हैं लीगली, जो भी काम करते हैं दिल लगा के करते हैं, अपने सोसाइटी के जो भी मेंबर्स हैं सब लोगों में पूरी काउंसिल मेंबर्स को, जो इससे पहले कमेटी रहें दो आपके कमेटी रहें दो सब कमेटी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि वेरी प्लीजिंग पीपल एंड वेरी वेरी एंथुजियास्टिक। एंड कैसे रहते बोले तो गार्डन सोसाइटी मेंबर से मिलना बोले तो ऐसा लगता है कि एक बार मिले तो हमको भी लोग मिल रहा है कि कुछ सीख सकते हैं उन लोगों से, बहुत शांति और अमन से काम करने का तरीका भी बहुत सिस्टमेटिक है। और जो अपने पास तो 2018 से पहले पूरे हाउस होल्ड इन आवर स्टेट तेलंगाना स्टेट विच ही केप्ट अप हिज प्रॉमिस एंड ही प्रॉमिस इन सच ए वे इफ इट ऑल ही प्रोवाइड वाटर टू ऑल द हाउसिंग सोसाइटी ऑल द हाउसेस households, then only he last votes. So 2018 से पहले जाके 3000 बनकर हर साल 500 बढ़कर 5000 बनने वाले अपने गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में है। तो लोग